हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हेमंत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल HT स्मार्ट स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा इतिहास से संबंधित, उसके बारे में। तो जो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है हमारे जो मुगल साम्राज्य से संबंधित हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में जो आपके सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, अगर आप इनको नोट करना चाहें तो आप कॉपी पेन लेके जो इन सबको नोट भी कर सकते हैं, वरना आपको जो है इसी वीडियो में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और भी दोस्तों शुरू करने से पहले जो आपको जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है इसे दबा लें, और उसके बाद आपको इसके सामने एक बेल आइकन दिखाई देगा उसे भी दबा लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलता रहे। आइए दोस्तों अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों जो मुगल वंश का संस्थापक है वो था हमारा बाबर। तो अगर क्वेश्चन आता है मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। उसके बाद नेक्स्ट है बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था। तो जो बाबर है वो फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठा था हमारा जो 1495 ईस्वी को जो बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद नेक्स्ट है फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो फरगना जो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो अभी ये है उज्बेकिस्तान में जो है फरगना स्थित है उज्बेकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो जो बाबर ने भारत पर जो कितनी बार आक्रमण किया है, तो ये किया है इसने 5 बार। अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो ये किया है इसने जो है 5 बार जो है इसने आक्रमण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 5 बार। उसके बाद नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी को जो है ये युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध, ये हुआ था हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी। जो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा वो कौन सी पुस्तक में लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबरनामा जो है इसने अपनी जो आत्मकथा है वो लिखी है बाबर ने बाबरनामा में। उसके बाद नेक्स्ट है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका जो फारसी में अनुवाद है वो किसने किया था, ये किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना ने जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का। उसके बाद नेक्स्ट है मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका जो है मुबैयान जो है नामक पद्य शैली है इसका जन्मदाता माना जाता है जो है बाबर को। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा है अकबर। इसका आंसर हो जाएगा अकबर जो है मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था राणा सांगा व बब्बर के बीच जो है खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था। तो हुमायूं जो है वो गद्दी पर कब बैठा था, ये बैठा था 1530 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 चौसा का युद्ध कब हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ है 1539 ईस्वी में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। तो जो चौसा का युद्ध था वो लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई है। तो भारत में ग्रैंड ट्रक रोड है वो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है भारत में ग्रैंड ट्रक रोड जो है बनवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का हुमायूं नामा किसकी रचना है। हुमायूं नामा जो है यह गुलबदन बेगम की। तो इसको जो हुमायूं नामा की जो रचना किसने की है, तो ये की है गुलबदन बेगम ने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था। तो कौन था इसका शासक, तो ये था कीरत सिंह जो है बिलग्राम युद्ध के समय जो है कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। उसके बाद नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 20 का, शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? तो शेरशाह के समय जो भू राजस्व दर थी वो उपज का जो है 1/3 भाग थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो किसके समकालीन था, ये था शेरशाह सूरी के, जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो है शेरशाह सूरी के समकालीन था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का, अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये थी इसकी मनसबदारी प्रथा, जो है अकबर के शासनकाल की जो प्रमुख विशेषता थी ये थी मनसबदारी प्रथा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का, कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? कौन से सूफी संत जो है अकबर के समकालीन थे, ये थे हमारे शेख सलीम चिश्ती। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेम सलीम जो है चिश्ती। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो जो अनुवाद विभाग था उसकी स्थापना की थी अकबर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अकबर, अनुवाद विभाग की स्थापना जो है अकबर ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 का, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, ये किया है अबुल फजल ने। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो किया था शेरशाह सूरी ने, जो है भारत में डाक प्रथा का जो प्रचलन जो है वो शुरू किया था, तो ये किया था शेरशाह सूरी ने, भारत में डाक प्रथा का जो प्रचलन शुरू किया है तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। उसके बाद नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किसके बीच लड़ा गया? तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था अकबर व हेमू के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर व हेमू के बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत जो किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने, जो है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर, जो है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी अकबर ने। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला जो प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? तो कौन था जो प्रथम व अंतिम हिंदू? तो ये था हमारा बीरबल, जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का, अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतकार था? अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतकार था? तो ये था जो संगीतज्ञ तानसेन। आई होप फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।